लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और खबरों की शुरुआत करने से पहले नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नवान्नो में संपन्न हुई सर्वदलीय बैठक, दार्जिलिंग मुद्दे पर हुई गहरी बहस। सीबीआई ने तलब किया मेयर को, नारदा कांड मामले में होगी पूछताछ। बड़ा बाजार में इंटक ने निकाली रैली, कहा मजदूरों का बड़ा पैसा देना होगा। और मिदनापुर में अस्पताल प्रशासन के विरोध में नर्सों ने खोला मोर्चा, अस्पताल सुपर का किया घेराव। नवान्नो में आज दार्जिलिंग मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक समाप्त होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत जल्द इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। नारदा कांड में भागीदारी को लेकर सीबीआई ने बुधवार को मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआई दफ्तर में तलब किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने मेयर से अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ आने को कहा है। नारदा कांड को लेकर ईडी के बाद अब सीबीआई ने मेयर शोभन चटर्जी को तलब किया है। आगामी काल बुधवार की सुबह 11 बजे निजाम पैलेस के सीबीआई दफ्तर में शोभन चटर्जी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार सैमुअल मैथ्यू से उन्होंने कोई पैसों की लेन देन की थी या नहीं, इसे लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। इसके अलावा शोभन चटर्जी को परिवार के कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ आने को कहा है। पिछले शुक्रवार को सीबीआई के प्रतिनिधि दल मेयर के घर गए थे, लेकिन मेयर के घर ना होने पर उनके कार्यालय जाकर उन्हें नोटिस दिया। अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि अब अस्पताल प्रशासन के विरोध, अस्पताल की नर्सों ने ही मोर्चा खोल दिया है। यह घटना मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घटी, जहां एक कर्मचारी नर्स की मौत के बाद नर्सों ने अस्पताल सुपर का घेराव किया और डॉक्टरों के निलंबन की मांग कर दी। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत तृप्ति डिंडा नामक एक नर्सिंग स्टाफ के अस्वस्थ होने पर उसे अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया था, जिसकी मंगलवार सुबह मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद स्टाफ नर्सों का गुस्सा फूट गया और नर्सों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही अस्पताल सुपर का घेराव भी किया। नर्सों का आरोप है कि जब तृप्ति की हालत नाजुक थी और उसे टी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट कराने के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर बिना रिपोर्ट किए ही चले गए। इसी कारण नर्सों ने उस चिकित्सक को सस्पेंड करने की मांग की है। नर्सों के इस प्रदर्शन के कारण मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से बंद है। मरीजों को इस आंदोलन से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल से जुड़ी दूसरी लापरवाही देखने को मिली मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहां एक महिला ने पहले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि महिला ने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन जब बच्चा दिया गया तो वो बेटी निकली, जिसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में बवाल मचाया। आए दिन बच्चों के पेट बदल की घटना सामने आती ही रहती है, जहाँ बच्चों का जन्म होते ही उन्हें बदल दिया जाता है। कुछ ऐसी ही घटना मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिली, जहां एक मां ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उसके परिजनों को बेटे की जगह पर बेटी सौंप दी। इसके बाद बच्चे के मां के परिजनों की ओर से इसकी शिकायत मालदा मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल से की गई। वाइस प्रिंसिपल को घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में जाँच पड़ताल करने का आदेश दिया गया। अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट अमित दान ने बताया कि समिता ने बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन परिवार वालों का अब आरोप है कि समिता ने एक बेटे को ही जन्म दिया था। फिर भी इस घटना को लेकर एक बैठक की जाएगी, जिससे समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हुगली के रिसड़ा में एक कूड़ेदान के पास से नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद भीड़ ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हुगली जिले के रिसड़ा के नए बस्ती इलाके से एक नवजात शिशु को इलाके के लोगों ने कूड़ेदान में पड़ा हुआ पाया। इस घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार लोगों ने कूड़ेदान से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद लोग वहां इकट्ठा हो गए। नवजात को श्रीरामपुर वॉल्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना की जानकारी श्रीरामपुर थाने को दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। সীতা ভবনে একটা প্লাস্টিকে বাঁধা একটা বাচ্চা ছেলে মানে পড়ে গেছিল, সেকে কেউ মানে বেঁধে ফেলে দিয়েছে। ও আজকে নতুন জন্ম, তার পেটে যে নার হয়েছে সেটা কাটা হয়নি। তো আমার কিছু বন্ধুরা আমাকে ফোন করলো, সেই বন্ধুরা
ওকে ধরে মানে কোলে নিয়ে একটা মহিলাকে তুলে এই হসপিটালে নিয়ে ওর জানটা বাঁচালো। झाड़ग्राम जिले में लोगों ने थाने के स्थानांतरण को लेकर थाने का घेराव कर दिया। थाना स्थानांतरण करने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने झाड़ग्राम थाने का घेराव कर विरोध जताया। मंगलवार को जामबनी थाने के सामने हजारों की संख्या में गांव वाले इकट्ठा हो गए। ग्रामवासियों ने कहा कि किसी भी हालत में इस थाने को हटने नहीं देंगे। हमारा विश्वस्त सत्य सुनल थाना एखान तुले गिजनी तुले नहीं जाने थाना आईसी के देखो जो एखे हमारे जथेष जगह आ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে থানায় লিখিত জমা দেবো, তারপরে আমরা একটা শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিলও করবো। नया थाना बनाने के लिए 18 एकड़ जमीन का मॉडल इमारत बनाने के लिए लिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम अपनी जमीनों पर नया थाना नहीं बनने देंगे। बड़ा बाजार में बड़ा बाजार इंटक की तरफ से एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली बड़ा बाजार के गणेश टॉकी से शुरू होकर के कला मंदिर जाकर समाप्त हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के बढ़े हुए पैसों को दिलाना था। इंटक के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में इंटक के प्रेसिडेंट रमेन पांडे के नेतृत्व में मंगलवार को एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली बड़ा बाजार से होकर कला मंदिर तक पहुंची। इस रैली में इंटक के समर्थन में 4 से 5 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इस वार्षिक सम्मेलन में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस रैली में इंटक के अध्यक्ष रमेन पांडे, राहुल पांडे, दीपक सिंह प्रमुख शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस रैली का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल के मजदूरों को स्थायी वेतन दिलाना है, जिससे वह अपना गुजर बसर अच्छे से कर सके। इंटक को सरकार की ओर से सभी श्रमिकों को उचित वेतन मिलना तय किया गया था, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। इंटक के समर्थकों ने बताया है कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं की गई तो वह अपना आंदोलन इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे। मेन डिमांड हम लोग का मिनिमम लड़ाई जो है वो मिनिमम वेजेस को लेके है। उसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो लोग नौकरी या काम धंधा में लगा हुआ 94% अनऑर्गेनाइज है, उन लोग को कुछ भी सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का बोलना है कि उन लोग का पीएफ, ईएसआई, बोनस, छुट्टी का व्यवस्था सरकार करें, ये हम लोग का मेन डिमांड है। आइए देख लेते हैं बंगाल की कुछ और अन्य बड़ी खबरें। मुर्शिदाबाद जिले के रानीतल्ला थाना इलाके के शाहपुर में हुए एक जमीन विवाद में एक महिला की मृत्यु हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार निजामुद्दीन शेख नामक व्यक्ति का अपने रिश्तेदार असदुल शेख के साथ एक जमीन बंटवारे के चलते हाथापाई शुरू हो गई। तभी बीच बचाव करने आई निजामुद्दीन की बीवी रेणुका बीबी पर असदुद्दीन ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना में निजामुद्दीन और उसका पुत्र रिपन शेख भी बुरी तरह से घायल हो गए। इन दोनों को लालबाग महकमा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद से असदुल शेख फरार है। मुर्शिदाबाद में एक गृहवधू की गला घोटकर हत्या करने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज थाना के रामपुर खासपड़ा इलाके में घटी। मृतका की पहचान 29 वर्षीय नरगिस बीबी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 4 वर्ष पहले ही जियागंज के रहने वाले मिलन शेख के साथ नरगिस की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद नरगिस के ससुराल वाले उसके ऊपर अत्याचार करने लगे। घरेलू हिंसा और अपने ऊपर हो रहे जुल्म से तंग आकर नरगिस अपना ससुराल छोड़ अपने पिता के घर रहने चली गई थी। कुछ दिनों पहले ही नरगिस अपने ससुराल वापस लौटी थी। वापस लौटते ही ससुराल वालों ने एक बार फिर से उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। सोमवार शाम को जब नरगिस के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट कर रहे थे, उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने फोन द्वारा इस घटना की जानकारी नरगिस के पिता को दी। लेकिन जब तक नरगिस के पिता उसके ससुराल पहुंचे, तब तक नरगिस मर चुकी थी, जिसके बाद नरगिस के पिता ने अपनी बेटी की मरने की घटना की जानकारी जियागंज थाने को दी, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी कोई FIR दर्ज नहीं करवाया गया है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।
কেন মেরেছে আমি বলতে পারছি না, আমি কলকাতায় ছিলাম। আমার বিটি সবসময় আমার বাড়িতে থাকে, আর চার দিন নিয়ে আসা হলো আমার মেয়েকে। মানে তাজপুরা বিবি আর ওই মিলন শেখ মা বেটাই ধরলেন ওকে, শ্বাসকষ্ট বা মারধর করে মেরে ফেলেছে। बंगाल में लोगों ने शराब के अड्डों को बंद कराने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि शराब के अड्डे समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। एक तरफ हुगली जिला में सिंगोर थाने के अंतर्गत झाकारी इलाके में शराब का ठेका बनाने के विरोध में ग्रामवासियों ने रास्ते को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि शराब के ठेके को जल्द से जल्द हटाया जाए। ग्राम में शराब की दुकानें बनाई जाने पर इससे ग्रामवासियों पर इसका दुष्प्रभाव हुआ है। लड़कियां व महिलाएं घरों से निकलने से डरने लगी हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि जब तक इसका निर्माण कार्य बंद नहीं किया जाएगा तब तक वह आगे भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर दिनाजपुर जिला में भी लोगों के द्वारा शराब के अड्डों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया। उत्तर दिनाजपुर जिला के कालियागंज धोनकाई ग्राम इलाके में कई दिनों से देसी व विदेशी शराबों का अवैध रूप से ठेका चलाया जा रहा था। इलाकों की महिलाओं ने इसके खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसके विरोध में इलाके की सभी महिलाओं ने एकत्र होकर कालियागंज थाने में लिखित रूप से भी मामला दर्ज करवाया है। महिलाओं ने बताया है कि यदि पुलिस इसके विरोध में कोई कदम नहीं लेती है तो सभी महिलाएं एकजुट होकर शराब के अड्डे को तोड़फोड़ देगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार थाने के कुरमानपुर गांव में सोमवार शाम को करंट लगने के कारण 62 वर्षीय शंभू दास की मृत्यु हो गई। शंभू को बचाने गया उसका बेटा राजकुमार दास भी करंट की चपेट में आकर जख्मी हो गया। दोनों को इटाहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शंभू को मृत घोषित कर दिया और अधिक जख्मी होने के कारण राजकुमार को रायगंज जिला अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि शंभू जब अपने घर के स्विच बोर्ड का स्विच बंद करने गया उसी समय यह घटना घटी। এখানে যে কুনমানপুরের দুটো লোক বাড়িতে লাইনের শর্ট সুইচ দিতে গিয়ে শর্ট খেয়েছে, শর্ট খেয়ে এখানে নিয়ে আসা হলো। নিয়ে আসার পরে একটা মারা গেছে, তার নাম হলো শম্ভু দাস, বাবাটা মারা গেছে, ছেলেটা বেঁচে আছে রাজকুমার দাস, তাকে রায়গঞ্জে এখন রেফার করা হলো। नदिया जिले के कृष्णानगर अनाथालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नारी एवं शिशु कल्याण मंत्री शशि पांजा के जाने से पहले अनाथालय प्रशासन ने एक मानसिक रूप से बीमार युवती को कृष्णानगर के शक्तिनगर अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन युवती का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अस्पताल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। हुगली जिले के चुचुड़ा थाना इलाके के बंडेल के रहने वाले ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी 28 वर्षीय हनी सिंह ने रविवार की देर रात अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार युवक का अपनी मां मिनी चावला के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, इसी कारण उसने गुस्से में आकर यह कदम उठा लिया। कुछ वर्ष पहले ही उसके पिता का देहांत हो चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से संगीन हालत में उसे इलाज के लिए कोलकाता के गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। इस बारे में चंदन नगर पुलिस ने बताया कि पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक ने जिस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है वो लाइसेंसी है या नहीं। किस लिए ऐसा किया वो पता है कुछ? नहीं नहीं, हमको नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। हम तो बाहर से आए, हम तो यहाँ थोड़ी कहते हैं, हमको मालूम चले है कि नहीं, जो यहाँ पर रहता है उनको पता चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है, ব্যবসা দেখুন, ব্যবসা তো টুরিস্ট ব্যবসা আগের মতো নেই, কিন্তু সেরকম যে এমন ক্ষতি বা এমন অবস্থা যে এরকম করতে হবে সেরকম তো না। আমি ওটা আমি তো শুনে নিজেই অবাক, আমি কোনদিন শুনিও নি যে ওর কাছে বন্ধুক এই আছে এই সব কিছু আছে। আমি ও বন্ধুক ক্যারি করতে বলে আপনারা জানেন না? না, আমি কোনদিন শুনি না, আমি কারো কাছে শুনিও না। आसनसोल दुर्गापुर अधिकार संगठन द्वारा निजी सुरक्षा गार्डों को फिर से काम पर वापस लिए जाने की मांग पर जारी भूख हड़ताल के 8वें दिन सोमवार को सुरक्षा गार्डों ने ECL मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान पांडेश्वर, सोदपुर, केंदा, मुगमा सहित अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों की संख्या में निजी सुरक्षा गार्ड शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिला शासक ने 28 अगस्त तक निविदा जारी करने का निर्देश ईसीएल प्रबंधन को दिया था। सोमवार को अवधि की समाप्ति पर भी ईसीएल द्वारा निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को लेकर निविदा जारी नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भूख हड़ताल पर बैठे सुरक्षा गार्डों में से 5 की हालत बिगड़ने पर भी अभी तक ईसीएल प्रबंधन या प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है। আমরা 1 তারিখ থেকে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। ভয়ঙ্কর বৃষ্টির মধ্যে এর আগে 14 দিন ধর্ণা হয়েছে। আমরা যদি মরেও যাই তাতে আমাদের কাজ আমাদের চাই। 2200 জনের যতক্ষণে কাজ হচ্ছে ততক্ষণ অবসর আমরা তুলব না। ম্যানেজমেন্ট বলেছিলেন যে 12 তারিখের মধ্যে 12-13 আগস্টের মধ্যে টেন্ডার বেরিয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে কাজ ফিরে পাবে। যাদের কাজ বন্ধ তারা অনশনে বসেছে। আমরা চাই সবাই যেন কাজ আমরা ফিরে পাই, তার জন্য আমরা আজকে 8 দিন অনশনে বসেছি। এখনও পর্যন্ত ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে কোনো আমাদের কাছে কেউ এখনও পর্যন্ত মানে খোঁজ খবর দিতে আসে নাই। हावड़ा हासखाली के नूतन पाड़ा इलाके के सोकेन बाई लेन स्थित एक घर में हुई दुस्साहसिक चोरी की घटना घटने से इलाके में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि चोर घर के तालों को तोड़कर घर में दाखिल हुए और कीमती सामान, गहने व रुपए लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली घर देखकर ही चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाया। इस घटना की जानकारी नजीरगंज थाने को दी गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।